हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 में आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाउ कैन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला है कि गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड द वर्किंग आवर्स। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा जो रजिस्टर्ड है तो उसमें वर्किंग आवर फिक्स है, समय के कार्यावधि फिक्स है और एक सर्टेन अमाउंट कि ये काम करेंगे इतने पैसे ज़रूर मिलेंगे। उसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सरकार उनके वेजेस को कम से कम फिक्स कर दे तो उनके कंडीशन को हम लोग सुधार सकते हैं, उनके कंडीशन को सुधारा जा सकता है। मिनिमम वेजेस फिक्स कर दे और वर्किंग आवर्स, काम के घंटे को भी फिक्स कर दिया जाए तो उनके कंडीशन में सुधारा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट प्रयास करे तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। ऐसे गवर्नमेंट प्रयास कर भी रही है, लेकिन और भी गवर्नमेंट को इस सेक्टर में प्रयास करना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। असंगठित क्षेत्र में सरकार जो है ना, कर्ज जो है सस्ते दरों पर दे। असंगठित क्षेत्र में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपना सेल्फ, अपना रोज़गार करना चाहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए आटा की चक्की लगाना चाहता है, कोई चावल की मिल बैठाना चाहता है, या कोई डिफरेंट स्मॉल एंड कॉटी इंडस्ट्रीज पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, सस्ते कर्ज दे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है लोन्स की, अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं, लैंडलॉर्ड से या शॉपकीपर से या प्राइवेट बैंक से भी अगर वो लोन लेते हैं, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट उनको चीप लोन प्रोवाइड कर दे, सस्ता कर्ज दे, तो उनके कंडीशन को सुधारा जा सकता है। वे छोटे मोटे उद्योग धंधे को लगा सकते हैं, वे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, इससे उनके कंडीशन को सुधारा जा सकता है। इसके लिए सरकार उनको कम से कम सस्ते दर पर इंटरेस्ट चीप लोन प्रोवाइड कर दे तो उनकी कंडीशन को सुधारा जा सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट कैन बी प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर्स। श्रमिकों के कंडीशन को सुधारने के लिए उनको कम से कम ऐसा अफोर्डेबल मीन्स कि जो अफोर्ड कर पाएँ, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे और उनको एक अच्छे खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए सस्ते दर पर, एजुकेशन की फैसिलिटी दे दे, स्वास्थ्य सुविधाओं में ध्यान दे दे, तो उनकी कंडीशन को बहुत हद तक हम लोग सुधारा जा सकता है या हम लोग सुधार सकते हैं। तो गवर्नमेंट के थोड़े प्रयास से इस सेक्टर में भी जो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर किया जा सकता है। ओके, फोर्थ टॉपिक की बात करें तो गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम, पेड लीव ड्यू टू सिकनेस। जैसे गवर्नमेंट एक नया नियम बना दे, नए रेगुलेशन बनाए, नया कानून पारित कर दे कि जो व्यक्ति अगर अधिक कार्य करेंगे या जो उनका निश्चित कार्य करने के बाद जो ओवर टाइम करेंगे तो उनको अतिरिक्त सैलरी दी जाए, वेजेस दी जाए, और वो बीमार पड़े तो उनको छुट्टी भी दी जाए और उसके बदले में उनको लीव भी दी जाए और उनको कुछ पैसे भी मिले, तब उनकी कंडीशन को हम लोग सुधार सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स को गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे
तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर की कंडीशन को भी हम लोग सुधार सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।